नूरपुर विधानसभा इंदौरा विधानसभा में समय से पहले आम के पौधों पर अंकुर आना और बेमौसमी बारिश होने से इस बार आम की फसलों पर खतरा मंडराने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर बागवानों व जिन लोगों ने आम की बाग लीज पर लिए हुए हैं, पैदावार कम होने व नुकसान होने की चिंता हो गई है। नूरपुर के सुलियाली गांव में बागवान स्प्रे करके पैदावार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई दवाई या प्रशिक्षण दिया जाए ताकि पैदावार को बचा सके। त्रिलोक सिंह ने कहा कि मैं नूरपुर ब्लॉक के सुलियाली से हूँ। बेमौसमी बारिश के कारण आम के पौधों का अंकुर काला हो गया है। हम इसे दवाई के माध्यम से बचाना चाह रहे हैं पर मुश्किल है। हमने बाग लीज पर दे रखे हैं। हमारे साथ 30-40 लोग काम पर लगे हुए हैं। इस बार लग रहा है कि इनको इनका मेहनतनामा भी देने को मुश्किल हो जाएगी। हम स्प्रे करके इन फलों को बीमारियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर त्रिलोक सिंह बागवान और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। ये जो आज आप आमों को पेड़ पे स्प्रे कर रहे हैं, ये किस लिए की जाती है? सर, मैं एक तो त्रिलोक सिंह सलियाली से बोल रहा हूँ। दूसरा, इसको बेमौसमी बारिश के कारण ये जो कुर है वो काला हो गया है, तो हम इसको दवाइयाँ लगा रहे हैं, मगर दवाई लगाने का अभी कोई पता नहीं है कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो ऐसे है कि हमारी जो हमारे साथ है, हमने लीज पर जो बगीचे ले रखे हैं, मगर इनका कोई विश्वास नहीं अभी तक। हमारे साथ जो 30-40 बंदे काम करते हैं, इस साल लग रहा है कि कुछ मुश्किल से इनको भी बेचारों को पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसे है, गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमें कुछ ना कुछ दवाइयाँ दुइयाँ वगैरह मुहैया करवाई जाएँ। ये जो दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो देसी आम हुआ करते थे उसके पेड़ जो है लुप्त होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? सर, बात ऐसे है कि उनको काट के जो है लोग दशहरी के पेड़ लगा रहे हैं उनकी जगह पे, तो बोल रहे हैं इसमें इनकम थोड़ी ज़्यादा है, देसियों में इनकम थोड़ी कम थी, उस वजह से उनको काट रहे हैं।